तो पंजाब में 13,237 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया चल रही है। मतदान की यह प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। बता दें कि मतदान खत्म होने के बाद मतगणना की जाएगी और आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए कुल 1,33,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। वहीं पंजाब पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें सुरक्षा की बात सबसे पहले कर लेते हैं। सुरक्षा को लेकर 96,000 कर्मचारियों की तैनाती है। वहीं चुनाव तक सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वहीं पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया जा रहा है। बैलेट पेपर पर नोटा का भी ऑप्शन दिया गया है। वहीं पंचायत चुनाव में सरपंच के लिए 3,798 उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं। साथ ही 48,000 से ज्यादा पंच का भी निर्विरोध चुनाव हो चुका है। और अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी लगातार पंजाब भर च पंचायती चोण अखाड़ा पूरा जोरां शोरां ते सी। तां अज 15 तरीक सवेरे 8 बजे चोण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ते शाम 4 बजे तक चोण प्रक्रिया जारी रहेगी। तां तस्वीरां लुधियाणा दे गिल हल्के दे विच स्कूल दीआं दिखावांगे, जिथे वड्डी तादाद दे विच लाइनां लग चुकियां ने ते वड्डी गिणती विच पिंड दे लोक वोट पोलिंग करन लई पहुंचे होए ने। चाहे महिलावां दी गल कीती जावे चाहे पुरशां दी गल कीती जावे तां लाइनां दे विच लगे हुए ने। तो कि मुद्दों को लेकर जी अज वोट पोल की जाएगी तो वह भी गलबात करांगे। पर तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं तो लोगों के काफ़ी उत्साह है। तो लंबिया लाइना लगिया हुई तो पुलिस सुरक्षा बल भी तैनात की गई है ताकि कोई माहौल ना खराब हो सके। वख-वख पोलिंग स्टेशन दीआं तस्वीरां दिखाईआं तो बैलेट पेपर जरिए वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। तो कितें ना कितें लोग वड्डी गिणती दे विच वोट पोल करन लई पहुंचे ने। तो पिंडां दे विकास जिहड़े रहिंदे ने उह कहिंदे अपने वधिया विकास कारज होण तां नवें चेहरे भी सरपंची दे अते पंची दे खड़े होए ने। तां वेखणा होवेगा शाम तक किन्नी क वोट पोल हुंदी आ, तां लोग अपना सरपंच किस नूं चुंदे ने इह आउण वाला समां दसेगा। क्योंकि अज सवेरे 8 बजे तो चोण प्रक्रिया शुरू हो गई है तां शाम 4 बजे तक चलेगी। तां शाम नूं ही अज इक्को दिन दे विच ही शाम नूं रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तां लोग किस नूं अपना सरपंच अते पंच चुनदे ने इह आउण वाला समां दसेगा। कैमरामैन सन्नी दे नाल सुरेंद्र सोनी MH1 न्यूज़ लुधियाना। और चलिए अब आपको सीधा हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी के पास लिए चलते हैं। सुरेंद्र सोनी, सबसे पहले आप ये बताएं कि किस ग्रामीण क्षेत्र में हैं और वहां की तस्वीरें क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज? बिल्कुल यश, तुहानू दस दिए सी फुल्लां वाल पिंड दे विच खड़े हां जो लुधियाना दे गिल हल्के विच पैंदा, पर शांतिपूर्व चोणां पै रहीआं ने। ते वड्डी गल दस दिए कि देहाती चगराऊं दे विच पिंड डल्ला ते पौणा दीआं गल कीती जावे तां उत्थे सरपंची दीआं चोणां जिहड़ीआं दो पिंडां दे विच रद्द कर दित्तीआं गईआं ते पंची दीआं चोणां जिहड़ीआं पै रहीआं ने। ते दस्सिआ जा रिहा कि जिहड़ी NOC दा इशू आया ते किते ना किते प्रशासन वल्लों अज आर्डर जारी करके जानकारी सांझी कीती ते कहा कि NOC दी करके जिहड़ी सरपंची चोणां उहनां दीआं रद्द कीतीआं गईआं ते पंची चोणां जिहड़ीआं पै रहीआं ने। वड्डी गल इह दस्सदी है कि लुधियाणा दा देहाती पिंड जगराऊं दे विच पैंदा पिंड डल्ला ते पौणा, जिथे यह दो पिंडां दीआं चोणां जिहड़ीआं रद्द कीतीआं गईआं ते नवीं डेट जिहड़ी आ अनाउंस दुबारा तो कीती जावेगी। ते दोनां पिंडां दे विच दुबारा तो जिहड़ा सरपंची दीआं चोणां होणगीआं ते लुधियाणा दे विच जिहड़ीआं चोणां लगातार जारी आ। ते सवेरे 8 बजे तो जिहड़ी लाइनां दी तस्वीरां वी दिखाईआं सी तां हुण तक जिहड़ीआं वड्डी गिणती च लोक पहुंचे होए ने ते अपना सरपंच अते पंच चुनेंगे ते शाम नूं ही जिहड़े नतीजे आ जाणगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। पंजाब पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।